मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, BSTC फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जो आपका पेपर पढ़ रहे हो, 6th पेपर, जिसका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी। इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी और यूनिट जो चल रही है आपकी, वो चल रही है आपकी फोर्थ यूनिट एनहेंस ओवरऑल प्रोफिशिएंसी यूनिट जो है आपकी, वो फोर्थ यूनिट, इसका नाम है एनहेंस ओवरऑल प्रोफिशिएंसी। इसमें आपका वर्ड कैटेगरीज़म पढ़ रहे थे। वर्ड कैटेगरीज़म में हमने सबसे पहले कल नाउन को डिफाइन किया था, और आज जो हम डिफाइन करने जा रहे हैं वो आपका डूइंग वर्ड्स है। डूइंग यानी कि हम जो करने जा रहे हैं वो आपका है वर्ब। तो इसको जो डिफाइन हम करेंगे, किस तरह से डिफाइन करेंगे, डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। फॉर एग्जांपल, प्ले, राइट, eat, etc. ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इस वाले को ये आपका रिवीजन चल रहा है। पहले एक बार ये हो चुका है आपका, ऑनलाइन क्लासेस में हो चुका है ये वाला जो कैटेगरीज़म वाला पोर्शन आपका चल रहा है, जिसके अंदर नाउन, वर्ब और भी बहुत सारी चीज़ें आपकी रेगुलर वर्ब्स आएगी, और ये वाली चीज़ें पहले भी एक बार हो चुकी है। तो फिर से मैं आपको ये रिकॉल करा दूँ, तो डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। यदि आपके पास में अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आपको ओवरऑल प्रोफिशिएंसी है, अगर विद्यार्थी या बच्चे के अंदर आपको उसको डेवलप करनी है, तो किस तरह से डेवलप करा सकते हैं, या फिर जो वर्ड कैटेगरीज़ है उसके आधार पर आप ओवरऑल प्रोफिशिएंसी को समझाइए। तो आपको यदि पूरी पूछी है तो जो जो वर्ड कैटेगरीज़ इसके अंदर आ रहे हैं वो सारे वर्ड कैटेगरीज़ आपको यहाँ पर समझाने हैं। तो सबसे पहले आप उसको डिफाइन करेंगे, जैसे कल वर्ब को डिफाइन किया था, फिर हम इसका काइंड समझाएंगे, काइंड ऑफ वर्ब। तो यहाँ पर आपके दो काइंड्स इसके, पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा है इनट्रांजिटिव, जिसको हम हिंदी में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिटिव में है जिसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट हो, इफ ऑब्जेक्ट इज देयर, ऑब्जेक्ट की उपस्थिति जहाँ पर होती है वो आपकी ट्रांजिटिव, और इनट्रांजिटिव होगी जहाँ पर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, ओनली सब्जेक्ट जो है वो अपना काम अपने अकॉर्डिंग यानी खुद कर लेता। जैसे यहाँ पे राम शट द डोर, तो राम जो है यहाँ पर आपके ये हो गया सब्जेक्ट, शट जो आपकी वर्ब हो गई, और ये जो द डोर है ये है आपका ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट की सहायता से जो काम हो रहा है आपका, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट है सहायक रूप में, वो आपके हो जाती है ट्रांजिटिव, और जहाँ पर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती वो होती है आपकी इंट्रांजिटिव। जैसे बर्ड्स आर फ्लाइंग। ठीक है, अब इसी के अंदर जो आएगी आपकी इररेगुलर वर्ड्स भी आएगी, और आपकी वीक वर्ब भी आएगी। तो कौन कौन सी है वो हम नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज जो है सिर्फ आप इतना ही, इसका लिख के भी रख लेना इसको, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है यहाँ से, कि वर्ब क्या है और वर्ब के काइंड क्या है। जहाँ पर यदि आपको वर्ड कैटेगरीज़म का पूछा जाए, तभी आपको उसका एक्सप्लेन करना है कि ओवरऑल प्रोफिशिएंसी के अंदर वर्ड कैटेगरीज़म यदि करना है तो आप किस प्रकार से करेंगे। तो वहाँ पर आपको नाउन, वर्ब और आगे आने वाली जो भी चीज़, इसके अंदर जो जो टर्म्स आती जाएगी, उन टर्म्स को सबको आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।